यह है जी लाही नूर मंदिर मेला छेद के तीसरे वीरवार को तुहानू मेले दी झलकियां दिखा दें। यह है पंज गुमटां वाला मंदिर, अज तुहानू लैके चलते हैं पिंड मेहंदीपुर जिथे चेत महीने के तीसरे वीरवार को मेला लगता जी। आओ लै चलते हैं तुहानू पिंड मेहंदीपुर। ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਉਹ ਲਾਗ ਦੀ।
अज चल रही आप पिंड मेहंदीपुर जिथे बहुत ही एक इतिहासक स्थान है आप को जाएंगे इतने पहला देसराज जी जिन्हों का नाँ प्यार घोगड़ कहते दुबई में काम कर ले गए थे उ मालक के चरणों में जा बराजे सन तो पिछले साल उन्होंने पिंड संस्कार किया उन्होंने वालों एक जगह बनाई गई है अज तुम मिला उन्होंने बेटे उन्होंने ब्रदर पंच साहब तो पहला गल करते हैं उन्होंने ब्रदर श्रीमान हरमेश लाल जी जो पिंड के पंच भी हैं मेहंदीपुर के उन्होंने बेटे अमरनाथ जी पहला तुम मिलाने हरमेश लाल जी सर पहला तो बहुत बहुत बधाई तू अज के दिहाड़े पर अज तुम बहुत वधिया प्रोग्राम जगह पर करवाया है तो मैं थोड़े को जानना चाहूँगा कि इस जगह का तुम आप हम देख रेख करते हैं बच्चा बाहर आ तो वह छुट्टी आया हुआ सी तो जगह का इतिहास थोड़ा जा दस दौ फिर आप अमरनाथ जी को पुछते हैं तो तुम कि सेवा करते ये जगह पहले बहुत छोटी जी साढ़े बजुर्गों ने लाई थी एक जगह पर पता नहीं कि किस्मत जो भी हो गए गाह भी असी बधा लिया कुछ हो गया साढ़े ब्रदर ने सारा कुछ किया बधा के मंदिर बनाता उत्ते साढ़े हुण मेला लगता साल दी साल सारा कुछ हो गया तो बाकी बहुत वधिया प्रोग्राम चलता साढ़ा साल दी साल असी करीदा हैगा साढ़े जिन्हें साढ़े ब्रदर ने लाया सीगा पर वो तो हुण संसार यात्रा पूरी करके चले गया पर जिम्मेवारियां सानू संभाल गया पर जिम्मेवारियां हुण संभालनियां है तो बहुत मुश्किल पर संभालनिया पैनिया संभालनिया पैनिया जी हर साल तुसी इस महीने भंडारा करते हैं चेत दे तीजे वीरवार चेत दे तीजे वीरवार पिंड मेहंदीपुर जगह का पूरा नाम की है जी इहदा पिंड मेहंदीपुर हाँ जी ते जिला शहीद भगत सिंह नगर शहीद भगत सिंह नगर ठीक है जी हुण तुहानू आला ने जी अमरनाथ जी जो देसराज जी दे बेटे ने दुबई विच अपना काम करते हैं तो स्पैशल इस दिन ते छुट्टी करके आते हैं तो इस दिन नूं बड़े तरीके दे नाल मनांदे आ हुणे ही तुसीं देखे सी कवाल लगे हुए सन लंगर भी चलता है गुरु का टुट लंगर इन्हां कोलों आपां जाणदे आ अमरनाथ जी तुसीं पहलां अपने बारे दसणा मेरा नाम अमरनाथ जी सुपुत्र देसराज जी जी पिंड मेहंदीपुर जी ते मंदिर दा नाम इलाही नूर मंदिर पिंड मेहंदीपुर इलाही नूर मंदिर हां ठीक है जी इलाही नूर मंदिर पहलां इत्थे साडे घर विच इक छोटी बर्मी हुंदी सी ठीक है जी हां जी ते असी पिंड जीण पर अपने संतां दी सेवा करदे नामदान लिया उतों ठीक है जी धारना कीती ते उहनां ने फिर साडे घर च थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई मतलब मेरे पापा दा अजे मैरिज नहीं हुई सी मैरिज तो पहला टाइम दी गल्लां जी जी ते उहनां ने फिर दस्सिया कि तुहाडे घर विच बर्मी दी गल्लबात आ ओके जो भी आ ते उहनां ने चलो सानूं सेवा दस्सी सेवा करते करते साडे बर्मी चल के इत्थे आ के दो लाइनां बन चुकियां सी जी जी उहनां ने अपना स्थान दस दित्ता कि साडा स्थान इत्थे लगाओ ओके ओके ते चलो रेंदे रेंदे समा फिर होर मंदिर तैयार किया जाए शंकर भगवान जी का माता राणी जी का बहुत वधिया मूर्तियां अंदर बड़िया ही सजा के और बहुत वधिया मनमोहक मूर्तियां देसराज जी नूं मैं बहुत चंगी तरीके नाल जानदा बड़े ही वो भगत बंदे सी बड़ा ज्ञान सी उहनां कोल ते जदों भी उहनां नाल मौका मिलदा सी बैठण दा ते रब घर दीआं गल्लां करदे हुंदे सी ते बहुत एक तरह दीआं ब्रह्म ज्ञानी गल्लां बातां सी उहनां दे कोल दिव्या गल्लां करदे हुंदे सी चलो संसार तो कोई संत फकीर भी नहीं रहा सारे ने जाना ही वो अपनी संसार यात्रा पूरी करके चले गए उन्होंने नाँ तुसी अगे तोर रहे हैं तुसी अगे तुहाडे की उपराले इस जगह लई तुसी अगे की तुहाडियां होर प्लानिंग ने हाँ जी प्लैनिंग के हिसाब ना हूँ देखो मेला हर साल लगता उन्होंने नाम का करवाना पैना अति कर कमला ना वो करके गए अगे सानू भी करना पौते आने वाली पीढ़ी नूं बिल्कुल सारे पिंड का सहयोग ना हो सारा कुछ हाँ नगर अज पूरा मैं देखा सारे लंगर छकन आए हुए हैं तो कवालिया का प्रोग्राम भी चलता ही बड़ी रौनक सी वालों बड़ा थोड़ा उपराला अमरनाथ जी क्योंकि विदेश विचों छुट्टी लैके आना और स्पैशल ला के प्रोग्राम करवाना नाल सहयोग आ तुहाडे चाचा जी ने तुहाडे फादर वर्गे पंच भी ने पिंड दे हरमेश लाल जी तो बहुत बड़ा है क्योंकि कुदरत दा एक निजम आ जदों आपां जिस रास्ते चल पन्ने आ तो वह कुदरत अपने आप रास्ते खोलदी रहिंदी आ अपने आप ही चलाई अपने बस नहीं है ये भी एक बड़े भागों के निशाने कि तुम्हें सेवा करने का सुभाग प्राप्त होया साडे पिंड के पंच साहबान हरमेश लाल जी बड़ी उगी शख्सियत आ पिंड के बहुत सारे काम ये आप मोहरे होकर करते हैं तो ये जिहड़ा मेला अज तुसी करवाया मैनू भी बहुत वधिया लग्या तो मैं इसे करके सोच टीवी वालों ये रिकॉर्डिंग कर रहा कि होर भी नगर
दूरों दूरों संगत आती है उन्होंने होर पता लगे, जेडे संगतों नहीं पता उन्होंने भी इस जगह बारे पता लगे, क्योंकि नाग की जगह तुम दस्या कि नूरे अलाही अलाही नूर मंदिर क्योंकि ना ही बहुत आला है अलाही का मतलब तो मालक की अलाही जोत जी इतने घूमती है। बेशक अलग अलग धार्मिक दियाँ धर्मां दियाँ अलग अलग माता दियाँ बाबा बालक नाथ दियाँ शिवजी महाराज की माता दियाँ मूर्तियां ने पईयां, पर मेन जगह नागां दी इहनूं आपां कहांगे क्योंकि तुहाडे घर जिद्दां तुसीं दस्सिया हुणी कि नागां दा पहरा आ ते उह आप उहनां ने इह इंटीमेशन दे के आप तुहानूं दस के एक जगह बनवाई आ, तां इह वड्डे भागां दी निशानी मैं तां कहूँगा क्योंकि जगह जिहड़ी आ उह घर विच धार्मिक स्थान बन जाना यह इतिहास बनने हैं आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े मेले लगन गए जो तुहाडा रुझान है जिवें तुसी सेवा कर रहे हो। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, सेवा तां आप करांदे जी मालक आ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बेनती करूँगा सारी संगत नूं भी ते कि इस अलाही नूर मंदिर विच तुसी भी दर्शन करो आ के हर साल चेत दे तीजे तीजे वीरवार हाँ चेत दे तीजे वीरवार पिंड मेहंदीपुर शहीद भगत सिंह नगर बाईपास के कोल है जगह है ते इत्थे हर साल मेला लगता। जिहड़े भी सज्जन इस वीडियो नूं देखदे आ सोशल मीडिया दे माध्यम राही तां उह जरूर हर साल इस दिन आ के अपनी हाजिर लगाओ ते खुशियां प्राप्त करो ते गुरु दे टुट लंगर जिहड़े आ उहनां नूं छकण दी कृपालता करो। बहुत बहुत धन्नवाद जी पंच साहब ते अमरनाथ जी, मालक तुहानूं चढ़दी कला च रखे इस तरह सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्नवाद जी सारे देखण वालियां दा भी जिन्हां ने भी इस जगह के दर्शन करने आ, उह पिंड मेहंदीपुर पहुँच के वो दर्शन कर सकते। एक बार फिर तुहानूं दिखा दिंदे मंदिर बहुत वधिया, अंदर देवी देवतियां दीआं मूर्तियां ने, ये शिवलिंग बनिया हुआ है, इधर गौ माता जी नंदी जी बैठे ने, इधर नाग देवता जी दीआं मूर्तियां ने, ये धूने की जगह है जी, इधर पीड़ां की जगह बनाई हुई है, ये है जी माता की जगह, सारिया देवी देवता दी जगह बनिया है। पांच मिंटां वाला अलाही नूर जिहड़ा है मंदिर पिंड मेहंदीपुर, बहुत बहुत धन्यवाद जी।